नेशनल खबर सब पर नजर। नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे हेयर लॉस पर। उम्र के साथ बाल झड़ते हैं ये तो नॉर्मल है, लेकिन उम्र से पहले ही बाल झड़ना स्टार्ट हो जाए तो वाकई में सोचने का विषय है। तो इस पर जो हमारे आज की खास अतिथि है, क्योंकि वो नेशनल खबर पर नई है इसलिए सबसे पहले मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो अपना इंटरव्यू हमारे दर्शकों को दे ताकि हमारे दर्शकों को उनके बारे में पता चले। तो सबसे पहले तो मैम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंचल चौधरी है और अभी मैं लाफेमिक्स डर्मा स्किन क्लिनिक नोएडा में काम कर रही हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पुणे से किया है और उसके बाद मैंने एस्थेटिक लाइक फिलर, लेज़र और हेयर फॉल ट्रीटमेंट इसके लिए फेलोशिप ट्रेनिंग करी है। उसके बाद मैंने दिल्ली में कई प्राइवेट क्लिनिक पे भी काफ़ी काम किया है, जैसे कि मैक्स हॉस्पिटल पंचशील पे। और अभी इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं लाफेमिक्स स्किन नोएडा में वर्क करती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे नेशनल खबर पर। धन्यवाद। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हेयर फॉल क्या होता है, हेयर लॉस क्या होता है, सबको पता है लेकिन क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके? देखिए, हेयर फॉल होना, यस, आपने जैसे बताया कि एज के साथ स्वाभाविक है, लेकिन आजकल हेयर फॉल एज से पहले देखा जाता है। इवन मैं तो कहती हूँ मैंने बच्चों में भी हेयर फॉल देखा है। और हेयर फॉल के कारण सिर्फ यही नहीं है कि हम खाना कैसे खाते हैं, हेयर फॉल इसलिए भी हो सकता है कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। सो बच्चों में, अगर मैं स्टार्ट करती हूँ बच्चों से, अगर हम बच्चों में हेयर फॉल देखते हैं या हम देखते हैं कि हेयर के कुछ पैचेस उनमें बने हुए हैं, उसका कारण हम पता करते हैं कि कोई जेनेटिक कॉज तो नहीं है या फिर वो किसी दवाई पे तो नहीं है, वो हमको उसमें देखना होता है। दूसरा, बच्चे खाने पीने में भी बहुत फंसी होते हैं, उसके लिए हमें उनको गाइड करना पड़ता है कि अपने बच्चों को क्या खाना खिलाना चाहिए। उसके बाद आते हैं एडोलसेंट। जब एडोलसेंट आता है बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और अगर ये कुछ एबनॉर्मल हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसके कारण भी हेयर फॉल देखा जाता है। और ये आजकल बहुत कॉमन है, जिसको हम मेल पैटर्न हेयर फॉल भी बोलते हैं या फीमेल पैटर्न हेयर फॉल। सो हार्मोनल इज़ द बेसिक कॉज। उसके बाद आती है हमारी लाइफस्टाइल, हमारा हम स्मोकिंग, अल्कोहल, हम कितना जंक फूड खाते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन है आजकल यंग जनरेशन में, ये भी एक कारण है जो हमारे हेयर फॉल को बढ़ाते हैं। उसके बाद आते हैं कि जो नॉर्मल हेयर फॉल होता है कि फॉर एग्जांपल कोई सर्जरी हुई या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसका जो स्ट्रेस होता है, जैसे अभी हमने देखा था पिछली अभी अप्रैल में जो कोविड की वेव आई थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखा गया। ये होता है स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल। तो कोई इन्फेक्शन हो गया या सर्जरी हो गई, ये किसी भी एज ग्रुप में देखा जाता है। और जो ओल्ड एज में है ये तो पहले से ही जाना जाता है कि वो ओल्ड एज के हिसाब से हमारी हेयर की ग्रोथ कम हो जाती है। चलो ये तो नेचुरल था, लेकिन जो आपने बोला बीमारी जिनको होती है उनका हेयर फॉल होना नॉर्मल है, लेकिन अगर हम मैं फीमेल की बात करूं तो स्मोक और ड्रिंक जैसा भी कुछ 90% गर्ल्स नहीं करती और उसके बाद बीमारी भी नहीं है, फिर भी हेयर फॉल बहुत होता है और तरह तरह के शैम्पू और पता नहीं कितनी तरह के हम लोग चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, तो कैसे फिर? यस, आपकी बात सही है। आजकल बहुत ट्रेंड है कि हमें स्ट्रेटनिंग करानी है या हमें डिफरेंट टाइप के कलर्स कराने हैं। सो ये एक प्रकार के केमिकल होते हैं और ये हमारे हेयर रूट्स को ट्रॉमा देते हैं। और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मैंने स्ट्रेटनिंग कराई थी या हेयर कलर कराया था, उसके 3 से 6 महीने बाद उनके हेयर ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने से वो बीच में टूटते हैं और साथ साथ उनकी जड़ें भी कमज़ोर होती हैं। सो उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। बाकी जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि हेयर स्ट्रेटनिंग भी नहीं कराते हैं फिर भी नेचुरली बाल गिरते ही गिरते हैं। लाइक मेरा, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने कुछ नहीं कराया अपने बालों में, फिर भी मेरा हेयर लॉस होता है, तो क्या रीज़न है इसका? देखिए, अगर ऐसा है कि उसमें सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपकी डाइट कैसी है। यू डू हैव अ हाई आयरन एंड प्रोटीन डाइट। जो हमारे जो हेयर्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए थे, कैरेटिन जो हम सब जानते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। प्लस मैं देखूँ, फिर आपके कुछ टेस्ट लिखे जाते हैं जिससे मैं पता कर सकती हूँ कोई हार्मोनल चेंजेस तो नहीं है,
जिसे आप नहीं जानते, आपको लगता है ये नॉर्मल हेयर फॉल है, लेकिन एज अ डॉक्टर आई कैन गिव सम टेस्ट जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि क्या कारण है कि आपके हेयर फॉल ज़्यादा गिर रहे हैं जो नहीं गिरने चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा जो अगला सवाल है वो यही है और आखिरी भी है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है आपके हिसाब से। हाँ देखिए, पहले जब कोई पेशेंट आता है कि उसको हेयर फॉल है तो पहले ये देखा जाता है कि हेयर फॉल क्यों है, क्या उसको डैंड्रफ है, उसकी स्कैल्प कितनी हेल्दी है, या फिर उसको जो हेयर फॉल है वो पैचेस में है, उसमें पैच जिसको एलोपेशिया एरिएटा भी बोला जाता है, अगर वो एक कॉज है तो उसका फिर हमें ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। फिर जैसे मैंने बोला टेस्ट हैं वो करने होंगे। ये अगर हम जब पता कर लेते हैं कि ठीक है कोई अभी इन्फेक्शन हुआ था या सर्जरी हुई थी या क्या कारण है, फिर हमें उसके हिसाब से उनको मेडिसिन देनी होती है। तो ओरल थेरेपी होती है जिसमें आपको मेडिसिन लेनी होती है, प्लस कुछ सीरम्स होते हैं जो आपको लगाने होते हैं, शैम्पू स्पेशल होते हैं डिपेंडिंग कि आपका हेयर फॉल कैसे, बहुत ड्राई हेयर है या आपको डैंड्रफ है, उसके हिसाब से आपको शैम्पू दिए जाते हैं। फिर हेयर केयर कैसे करनी है ये बताया जाता है। हम लोगों को लगता है कि हम बहुत सारा ऑयल लगाएंगे और हमारे हेयर ग्रो करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आप अपने हेयर को और डैमेज कर रहे हैं ज़्यादा ऑयल लगा के। सो ऑयल लगाना अच्छी बात है, आपके हेयर को मॉइस्चर मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल भी आपके हेयर फॉल को बढ़ा सकता है। सो तो हम आप पूरा आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह अपने हेयर को केयर करना है और जो दवाइयाँ हैं वो किस तरह लगानी हैं। तो ये तो हुई दवाई की बात। और आजकल बहुत नई नई तकनीक आ रही हैं और उसमें सबसे कॉमन जो सब आजकल बहुत फेमस भी है उसको बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें हम जो है आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो आपके हेयर्स में इन्फ्यूज़ करते हैं जिससे जल्दी ग्रोथ आती है आपके हेयर्स में। और ये सब एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो बहुत कॉमनली आपको हेल्प करता है। वही इस ट्रीटमेंट को कितना टाइम लगता है, मतलब कितने टाइम में हम सोच सकते हैं कि हमारे बाल ठीक हो सकते हैं? देखिए, जब बाल जो हैं हमारे ना, बाल जब ग्रो करते हैं उसके तीन स्टेज होते हैं। एक होता है जब वो बाल नए आ रहे होते हैं, जब वो बढ़ रहे होते हैं, और जब वो गिर रहे होते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है हमारा नॉर्मल हेयर ग्रोइंग का। सो जब हमारे बाल गिरने लगते हैं इसका मतलब हमारे ज़्यादातर प्रतिशत बाल गिरने वाले स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो उनको वापस से हमें ग्रोइंग स्टेज पे पहुंचाना होता है। उसके लिए ये सारी प्रक्रिया 3 से 6 महीने ले लेती है। तो 3 महीने हम ज़रूर पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ये दवाइयाँ लगानी हैं और 3 से 6 महीने में आपके बाल बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। अच्छा, ये तो ठीक है, ट्रीटमेंट भी हमें पता चल गया, लेकिन एक सवाल और है मेरे जहन में कि क्या इसे ये आम आदमी के बजट में है, क्योंकि प्रॉब्लम तो कॉमन है। बिल्कुल। सो आपका बजट कैसा है? सबसे पहले अगर आपको लगता है कि जो मैं आपको ट्रीटमेंट देना चाहती हूँ वो अभी आप नहीं लेना चाहते, तो आप दवाई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या फ़र्क है एक दवाई और एक ट्रीटमेंट कराने में? अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको रिजल्ट थोड़ा फास्ट और मोर हेल्दी हेयर्स जो आप चाहते हैं वो आपको जल्दी मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो आप टैबलेट लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं। कभी कभी टैबलेट और मेडिसिन अलोन इतना काम नहीं कर पाते जितना कि हम ट्रीटमेंट साथ में देंगे तो बेहतर आपको आराम मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम इतनी कीमती जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको हेयर लॉस से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई सवाल है जो मुझसे रह गया हो और आपके जहन में हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।